छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा ने आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली मॉडल को प्राथमिकता दिखाकर भाजपा और कांग्रेस के बीच पूरे 90 विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा और कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य पर सवालिया निशान आप पार्टी ने लगाया है। आप पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ने ली प्रेस वार्ता। आम आदमी पार्टी से जुड़े छत्तीसगढ़ प्रभारी व बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने छत्तीसगढ़ दौरा कर दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया के सामने आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से पूरे 90 विधानसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारने के साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास कार्य की कमी गिनाई। साथ ही भाजपा और कांग्रेस पर सवालिया निशान लगाते हुए छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बताया। इसके साथ ही संजीव झा ने अपनी पार्टी को आगे विस्तार बढ़ाने पूरे प्रदेश में दौरा कर लोगों से संवाद के माध्यम से जुड़कर अपनी बात रखने के साथ ही दिल्ली मॉडल का प्रारूप बताकर लोगों को जोड़ने की बातें कही। उन्होंने यहाँ की भाजपा व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की आप सरकार ने पूरे दिल्ली में सिर्फ 5 साल में बहुत से कार्य किए हैं, फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी छत्तीसगढ़ से कोसों दूर है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे, लोक लुभावन घोषणा कर होल्डिंग पर बड़े बड़े विज्ञापन तक ही सीमित रहते हैं। साथ ही छल से वोट लेने की राजनीति में भी लिप्त है। इसके साथ ही वो आगामी दिनों की तैयारी को लेकर अपनी ही पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों का दौरा कर पार्टी को और मजबूत बनाने की कवायद जारी रखने की बातें कही है। इस संबंध में मीडिया के समक्ष संजीव झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज मैं दुर्ग जिले के कार्यकर्ता संवाद में आया हूं। सभी विधानसभा कार्यकर्ता आएंगे, किस तरह से संगठन का विस्तार हम लोग गांव तक कर पाएं और अरविंद केजरीवाल जी के जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो विकास का मॉडल है, उसको लेकर लोगों के बीच में जाएं। साथ में जो दोनों पार्टियों का जो ये लूट खसोट रहा है, उसको लेकर लोगों के बीच में जाना है। तो मुझे लगता है कि अब इस बार का चुनाव कोई जाति धर्म समुदाय के नाम पर नहीं, बल्कि विकास के नाम पे हो, अच्छे स्कूल के नाम पे हो, अच्छे अस्पताल के नाम पे हो, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के नाम पे हो, किसानी ठीक से कर पाए, रोजगार के अवसर उस पर हो, आदिवासियों के वन उपज का लाभ उनको मिले, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके रोजगार के अवसर मिले, इन सभी मुद्दों पे चुनाव हो या आम आदमी पार्टी करे। लगता है जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2018 का चुनाव जब लड़ रहे थे, दिल्ली के 5 साल गवर्नेंस का मॉडल नहीं था। अब इस 5 साल के गवर्नेंस के मॉडल को पूरे देश के सभी राज्य चाहते हैं कि मॉडल उनके यहाँ आए, तो छत्तीसगढ़ में कैसे स्कूल्स आएगा, अस्पताल आएगा, रोजगार के अवसर, सभी बातों के लिए लोग बीच में जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नवंबर में आपको चौंकाने वाला परिणाम आएगा। मैंने कहा, देखिए बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, हाँ कोई ठोस बातचीत अभी नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत हो रही है, जो ये मानते हैं कि उनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ को जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी प्लेटफॉर्म पर आए। मैं उन सबका स्वागत भी करता हूँ कि आइए अब मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण करते हैं, जिस उद्देश्य से राज्य बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। दिल्ली और पंजाब है कि दिल्ली और पंजाब जैसा ही कुछ ऐतिहासिक परिणाम आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। पंजाब में मुझे लगता है कि सवाल का कोरिलेशन मुझे ठीक समझ में नहीं आया। देखिए एक बात समझिए कि सिक्योरिटी स्टेटस सिंबल नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जरूरत होनी चाहिए। आपने जिनका जिक्र किया, उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह नहीं उठाई गई थी, सिक्योरिटी कुछ कम की गई थी, लेकिन जब वो गए थे तब सिक्योरिटी साथ में नहीं लेके नहीं गए थे, तो हादसा कहीं भी हो सकता है। पर मुझे ये लगता है कि सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, पर कोई नेता अपना इसके स्टेटस सिंबल बना करके जिसकी जरूरत जनता को है, जरूरत उनकी उसका अपने पास ना रखे, हम ये जरूर इंश्योर करते हैं कि हम, जैसा मैंने पहले कहा कि कोई 2-4 सीट पर लड़ करके हम सत्ता हासिल करके और सत्ता में बन जाएं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, वो जब तक आपके राज्य में सरकार नहीं होगी तब तक नहीं होने वाला। तो हमारा उद्देश्य इतना ही है कि राज्य में जनता की मदद से सरकार बना ली जाए और पूरी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की जो मॉडल, देखिए इसको हम पूरी समीक्षा कर रहे हैं, पूरा डिटेल रिपोर्ट बना रहे हैं कि इनके इनपुट कॉस्ट हैं, आउटपुट कॉस्ट क्या हैं और क्या कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सरकार से
1000 गुना बेहतर मॉडल हम किसान के सामने रखेंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि हमारी सरकार दिल्ली में है, हमने खत्म किया है, हमने पंजाब में है, हमने पंजाब में ख़त्म किया है। रेता माफिया का बहुत बड़ा वहाँ पे माफियागिरी होती थी, केवल माफियागिरी वो भी ख़त्म किया है हमने। तो हम कहते नहीं हैं, हमारे सामने हम करके दिखाते, हमने करके दिखाया है, यहाँ भी करके दिखाया। देखिए, जब पंजाब लड़ रहे थे लोग कहता था कि हम कहते थे बादल हार जाएंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बादल कभी हार ही नहीं सकते। बादल पूरा परिवार, बड़े बादल साहब जो लगातार 12 साल रहे विधायक, 12 बार विधायक रहे, वो भी चुनाव हार गए। जनता जब इसका अपना आंदोलन बना लेती है तो कितने भी बड़े बड़े मठाधीश क्यों ना हो, सबके किला खिसक जाता है। जनता के पास कब तक पहुँचे? सबको जिम्मेदारी दे रहे हैं। 1 मार्च तक आपको हर गांव में आम आदमी पार्टी की टीम दिखेगी और 19 मार्च को रायपुर आइएगा, आपको आम आदमी पार्टी की ताकत भी दिखेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।